हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। तो आज मैं आपके लिए ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का नाम है एंटीडोट, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 10 स्टार है। लेकिन ये मूवी एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट को लेकर आती है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को फांसी पर लटका हुआ देखते हैं, जिसके कपड़ों पर काफी सारा खून लगा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम शेरिन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने पति कोस्टास के पास में सो रही थी। शेरिन को अचानक अपने पेट में बहुत तेज दर्द होता है, तो इसलिए कोस्टास उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर हॉस्पिटल में चेकअप के बाद में डॉक्टर उसे बताते हैं कि शेरिन का अपेंडिक्स डैमेज हो गया है और इसीलिए उन्हें उसकी इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। फिर उसका ऑपरेशन स्टार्ट होता है। अब ऑपरेशन के बाद में जैसे उसे होश आता है, तो वो खुद को एक दूसरी जगह पर पाती है, जहाँ पर उसके हाथों को बेड से बांध कर रखा गया था। और कुछ देर के बाद में वहाँ पर डॉक्टर एरन आते हैं, जो कि शेरिन के हाथों को खोलते हैं। फिर जब शेरिन उससे पूछती है कि मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा गया है, तो उस पर डॉक्टर उसे ये बताता है कि वो सर्जरी के बाद से मेंटली इल है। इसे सुनकर शेरिन डॉक्टर से क्वेश्चन करती है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो डॉक्टर उसे कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं देता है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारी टेबलेट लेकर वापस आता हूँ। अब डॉक्टर के जाने के बाद में शेरिन सर्जरी के निशान को चेक करती है, लेकिन अब तक वो निशान पूरी तरीके से ठीक हो गया था, जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि वो यहाँ पर काफी टाइम से एडमिट है। अब फिर डॉक्टर अपने साथ में पिल लेकर वापस आते हैं और शेरिन पूछती है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिस पर वो पूछती है कि अगर ऐसा है तो मेरे घाव इतनी जल्दी कैसे हील हो गए हैं। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि हमारे पास में कई अनकन्वेंशनल हीलिंग मेथड्स हैं, जिससे कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, और इसके बारे में हम किसी पेशेंट से डिस्कस नहीं करते हैं। अब डॉक्टर शेरिन को पिल्स लेने के लिए कहते हैं। शेरिन उन्हें लेने से मना कर देती है और अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए उनसे कहती है। इतना कहकर शेरिन उस रूम से बाहर चली जाती है और हॉस्पिटल के स्टाफ से फोन मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता है और वो हड़बड़ाहट में दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ के बेड पर एक पेशेंट लेटा हुआ था जिसका नाम रिजो था। शेरिन उसे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, तो वियर्ड तरीके से उसे ये कहता है कि शायद तुम यहाँ पर नहीं आई हो। अब इतने में ही वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है और शेरिन को इंजेक्शन देकर वहाँ पर उसके रूम में छोड़ दिया जाता है। फिर जब उसे होश आता है, तो वो अपने सामने डॉक्टर एरन को पाती है, जिन्हें देखकर वो उन्हें कहती है कि उसे यहाँ से जाने दे, नहीं तो जल्दी ही उसका हस्बैंड वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाएगा। पर वो डॉक्टर उसे ही कहता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी ढूंढने नहीं आ पाएगा, और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद में शेरिन को काफी दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी, और इसके बाद ही वो एक पेशेंट को भी देखती है जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया हो, और पेशेंट की ऐसी हालत को देखकर शेरिन भी बहुत ज्यादा डर गई थी। अब दीवार के दूसरी तरफ से उसे नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके पास में जाती है, तो वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है, जो कि उस साइड वाले रूम के पेशेंट ने पास किया था। उस नोट पर वो पेशेंट अपना नाम एवरेट बताता है, और वो ये भी बताता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। अब जब उनकी बातें चल रही थी, तो कुछ लोग एवरेट के रूम में घुसकर उसे जबरदस्ती अपने साथ में लेकर जाते हैं, और अब सिर्फ उसकी चीखें ही वहाँ पर सुनाई देती है। इसके बाद में शेरिन और भी ज्यादा घबरा जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर वो कोस्टा से जिम का बोलकर कहीं और गई थी। लेकिन शेरिन के शू पर लगी पट्टी को देखकर वो समझ जाता है कि शेरिन ने उसे झूठ बोला है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता है। फिर कुछ देर के बाद में डॉक्टर फिर से उसके रूम में आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमसे पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई है जिसका तुम्हें रिग्रेट है, या फिर कोई ऐसी मिस्टेक जिससे तुम अपनी लाइफ से हमेशा के लिए मिटाना चाहती हो। जिस पर शेरिन को पास्ट का कुछ याद आता है, लेकिन शेरिन डॉक्टर कुछ नहीं बताती है और उस पर ही चिल्लाकर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे घर जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन डॉक्टर उसे बीमार बताकर उसे दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं। तभी हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसके बेड और फ्लोर पर खून पड़ा हुआ था और उसे एक आदमी साफ कर रहा था। अब डॉक्टर शेरिन को एक अलग रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर उसी की ही तरफ और भी कई सारे पेशेंट थे, जहाँ पर डॉक्टर शेरिन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है, और वहीं पर एवरेट भी था जिससे शेरिन की उस नोट के थ्रू बात हुई थी। डॉक्टर के जाने के बाद में शेरिन एवरेट से पूछती है कि उसके साथ में लास्ट नाइट क्या हुआ था, जिस पर वो बताता है कि इन लोगों ने उसकी जुबान काट दी थी, और उसकी इस बात पर शेरिन बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है कि कैसे उसकी जुबान कट हो जाने के बाद भी वो इतने अच्छे से बातें कर पा रहा है।
जिस पर एवरेट कहता है कि उसकी जुबान फिर से ग्रो हो गई और सिर्फ वही नहीं बल्कि कसांड्रा नाम की एक लड़की भी उसे कहती है कि मुझे भी जिंदा चलाया गया था और ये एक एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी है जहाँ पर इन सब पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन इनके ही ट्रीटमेंट से वो जल्दी ठीक हो भी गई है। ये सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक अलार्म बजता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक पर्सन को चूज करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिसके बाद में वो डॉक्टर वहां पर आता है और शेरिन को उसके रूम में लेकर जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि शेरिन कोस्टा से झूठ बोलकर एक ग्रेव पर गई थी और वहीं से वो पट्टी उसके शू में लग जाती है। अब प्रेजेंट में अचानक से रूम के बाहर की लाइट ऑफ हो जाती है और शेरिन ये देखती है कि दो लोग वहां पर आकर रिजो को जबरदस्ती अपने साथ में लेकर जाते हैं और फिर लाइट ऑन हो जाती है। तभी एवरेट शेरिन के रूम में आ जाता है और कहता है कि ये जगह कोई लैब है और हम सब इनके टेस्ट सब्जेक्ट हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। शेरिन कहती है कि उसे यहाँ से बाहर अपनी फैमिली के पास में जाना है, जिस पर एवरेट कहता है कि यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इनके रूटीन को फॉलो करें, फिर 3 महीने के बाद में वो हमें यहाँ से जाने देंगे। शेरिन उसे पूछती है कि उसे किसने कहा, जिस पर एवरेट बताता है कि ये सब उसे डॉक्टर एरन ने बताया है, लेकिन शेरिन को डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब जब ये लोग बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर दो लोग रिजो को वापस लेकर आते हैं और रिजो की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था। शेरिन उसे देखने के लिए उसके रूम में जाती है, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है जो कि उस पेशेंट की बॉडी में एक लिक्विड को इंजेक्ट करता है। ये एक तरीके का हीलिंग सीरम था जिससे कि ये लोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। शेरिन जब उससे पूछती है कि इसके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि ये उसने खुद अपने साथ में किया है। इतना कहकर डॉक्टर शेरिन को वहां से वापस अपने रूम में जाने के लिए कहता है। इसके बाद में शेरिन एवरेट के रूम में जाकर उसे अपने साथ में बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन एवरेट उसे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, जिसके बाद में शेरिन अकेले ही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और वो यहाँ वहाँ घूमने भी लगती है। घूमते घूमते वो बहुत ही अजीब लोगों को देखती है जिनमें से कुछ तो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। अब उसी तरीके से घूमते हुए डॉक्टर एरन उसे देख लेता है, जिसने उससे पहले ही अपने रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी एरन उसे अपने रूम में जाने के लिए फोर्स नहीं करता है और उसे अपने साथ में अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एरन उसे उसी आदमी की फोटो दिखाता है जिससे हमने मूवी की स्टार्टिंग में फांसी पर लटका हुआ देखा था। फिर डॉक्टर शेरिन से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो, जिस पर शेरिन कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मुझे एक फोन कॉल करने दोगे। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताती हो तो तुम किसी को भी कॉल कर सकती हो। फिर इसके बाद शेरिन उसे सब बताने लगती है। वो कहती है कि इस आदमी का नाम निको है, जो कि एक पियानो ट्यूनर था और हम दोनों कभी रिलेशनशिप में थे, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था। अब डॉक्टर उससे पूछता है कि रिलेशनशिप एंड कैसे हुआ, तो शेरिन कहती है कि निको उसके साथ नहीं रहना चाहता था और उसके बाद उसे नहीं पता कि उसने सुसाइड क्यों किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस ग्रेव पर शेरिन गई थी वो ग्रेव निको की ही थी। फिर डॉक्टर उसे कॉल करने की परमिशन दे देता है, लेकिन फोन डेड था। इसका मतलब कि डॉक्टर को पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन शेरिन ने डॉक्टर से झूठ कहा था। अब शेरिन डॉक्टर के ऊपर गुस्सा होती है और वो वापस रूम में चली जाती है। उसे फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो रूम के बाहर जाती है तो उसे उसका बॉयफ्रेंड निको दिखाई देता है। शेरिन उसका पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाती है जहां पर सेम पियानो और वही वायर मिलते हैं जिससे लटक कर निको मारा गया था। शेरिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी दो डॉक्टर वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर ज़बरदस्ती उसे एक बेड पर बांध देते हैं और एक बड़े से चाकू से उसके पैर को काट देते हैं। अब जब शेरिन को होश आता है तो वो देखती है कि डॉक्टर एरन ने उसके पैर को स्टेचस लगाकर वापस उसकी बॉडी से जोड़ दिया है और हीलिंग सीरम की मदद से उसका पैर कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। फिर इसके बाद शेरिन एवरेट के पास में जाती है और उसे बताती है कि उसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देखा है जो कि आज से 10 साल पहले ही मर गया था। इसे सुनकर एवरेट चौंक जाता है और गुस्से से डॉक्टर के पास में जाकर पूछता है कि उसने तो उसे 3 महीने के बाद यहाँ से निकलने को कहा था, लेकिन यहाँ पर तो लोग 10-10 साल से भी रह रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर उसे कहता है कि ये सब मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो उसे अपने साथ में ले जाता है और दो लोग आकर उसे एक रूम में ले जाते हैं और जबरदस्ती उसकी जुबान को काटकर अलग कर देते हैं। शेरिन यहाँ पर अब फिर से निकलने की कोशिश करती है और निको के रूम में जाती है जहाँ पर अभी भी वो पियानो था, लेकिन अब उसके वायर नहीं थे। फिर वो मैनेजमेंट के एक आदमी का पीछा करते हुए वहाँ से निकलकर एग्जिट की तरफ पहुँच जाती है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था बल्कि एक दीवार थी। अब शेरिन फिर से निको के रूम में जाती है जहाँ पर अब पियानो के ऊपर वही वायर भी रखे हुए थे जिससे निको ने सुसाइड किया था।
तभी उसे निको की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है और उसे देखकर उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर एरन आ जाता है जो कि फिर से उसे निको के रूम में लेकर जाता है। लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना ही पियानो, ना ही वायर, ना ही निको की बॉडी। अब शेरन यहाँ से निकलकर कैसेंड्रा के रूम में जाती है जिससे बार बार जला दिया जाता था। वो उसके पास में जाकर थोड़ी बातें करने के बाद में उसे अपने साथ में वहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन कैसेंड्रा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि तुम्हारे साथ में जो होगा वो होगा, लेकिन मुझे जिंदा जला दिया जाएगा। ये लोग पहले भी मुझे 3 बार जला चुके हैं। फिर वो शेरन को बताने लगती है कि उसे किस तरीके से जलाया जाता है। अभी इसके बाद शेरन को ढूंढते हुए डॉक्टर एरन वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने साथ में ले जाने लगता है और मौके का फायदा उठाकर शेरन उससे कीस को चुरा लेती है। फिर वो कैसेंड्रा को अपने साथ लेकर डॉक्टर के ऑफिस में जाती है जहाँ पर इन्हें यहाँ का मैप मिल जाता है और उसकी मदद से ये लोग यहाँ से निकल सकते थे। अब ये दोनों लोग डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, लेकिन अब तक डॉक्टर को पता चल चुका था कि शेरन ने उसकी चाबियाँ चुरा ली थी और वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन किसी तरीके से दोनों उसकी नज़र से बचकर निकल जाती है, पर बाहर इन्हें कुछ दूसरे डॉक्टर पहचान लेते हैं और दोनों वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब कैसेंड्रा को पता था कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ में ये लोग क्या क्या करेंगे, तो इसीलिए वो खुद ही एक चाकू से अपना गला काट लेती है और तभी शेरन वहां से भाग निकलती है। और फिर कुछ दूर चलने के बाद में एक पेशेंट शेरन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिजो उसे सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। फिर अब ये लोग बचने के लिए एक रूम में छुप जाते हैं जहाँ पर रिजो शेरन को यहाँ वहाँ छूने लगता है, लेकिन शेरन मजबूरन उसे रोक नहीं पाती है क्योंकि मैनेजमेंट के लोग बाहर खड़े हुए थे। लेकिन जब वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो शेरन चालाकी से रिजो को मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अब वो एक रूम में एक पेशेंट को देखती है जहाँ पर कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे थे। अब शेरन बचते बचाते वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन उसके बाहर निकल जाने की वजह से काफी सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। फिर वो मदद लेने के लिए एक घर में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। और थोड़ी देर के बाद में उसे फिर से निको की डेड बॉडी दिखाई देती है और पीछे से एक आदमी वहाँ पर आकर शेरन को मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब शेरन को होश आता है तो खुद को उसी पियानो वाले रूम में पाती है जहाँ पर उसे फांसी पर लटका दिया जाता है और हीलिंग सीरम की वजह से उसे फिर से ठीक कर दिया जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने पास डॉक्टर एरन को देखती है जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। शेरन उसे कहती है कि वो उसे मार क्यों नहीं देते, जिस पर एरन उसे कहता है कि वे लोग यहाँ पर किसी को नहीं मारते हैं। अब एरन फिर से शेरन को उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर शेरन उसे कहती है कि वो एक ड्रग एडिक्ट थी और इससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं बताती है। फिर बाद में शेरन एवरेट के पास में जाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया, जिस पर एवरेट उसे बताता है कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब उसे होश आया तो यहाँ पर था। फिर शेरन पूछती है कि क्या उसने कभी ऐसा कोई काम किया था जिसका उसे रिग्रेट हो, क्योंकि 10 साल पहले उसने एक ऐसा काम किया था जो कि बहुत ही घटिया था और आज तक उसे चैन की नींद नहीं आती है और शायद यही कारण है जिस वजह से आज वो यहाँ पर है। ये शायद वही बात थी जिसके बारे में डॉक्टर एरन उससे सुनना चाहता था। एवरेट उसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसका उसे कभी रिग्रेट हो। अब शेरन कैसेंड्रा के रूम में जाती है जो कि उसे बताती है कि उसे उन लोगों ने फिर से जला दिया था जो कि वो डिजर्व भी करती थी। और यहाँ पर वो अपने पास्ट की एक बहुत ही बड़ी बात शेरन को बता देती है कि उसने कुछ हफ्तों पहले एक मिंक फार्म में 650 मिंक को बचाने के लिए उस फार्म में आग लगा दी थी, जिसमें वहाँ के ओनर दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पर जल गए थे और उनके सारे मिंक वहीं पर मारे गए थे और शायद इसीलिए उसे यहाँ पर जिंदा जलाया जाता है। वो ये भी कहती है कि यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है और वो है हमारी मौत, जिस पर शेरन उसे बताती है कि वे लोग पहले ही मर चुके हैं। दरअसल कैसेंड्रा ने एक जहरीली मशरूम खा ली थी और जब उसे होश आया तो उसने खुद को यहाँ पर पाया और सेम एवरेट के साथ में भी हुआ। कार एक्सीडेंट के बाद में जब उसे होश आया तो वो भी यहीं पर था और शेरन की भी यहाँ पर आने से पहले अपेंडिक्स डैमेज हो गई थी और उसे भी यहीं पर होश आया, तो इसलिए उसे लगता है कि ये सभी लोग मर चुके हैं और ये जगह एक नर्क है जहाँ पर उन्हें उनके गुनाहों की सजा दी जा रही है। ये सुनकर कैसेंड्रा उनसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हो, जिस पर शेरन ये कन्फेस करती है कि आज से 10 साल पहले उसने उसके बॉयफ्रेंड निको को मार डाला था। यहाँ पर हमें शेरन के पास्ट के बारे में पता चलता है कि एक दिन उसके और निको के बीच में बहस हो गई थी और ये बहस हाथापाई में बदल गई, जिसके दौरान शेरन ने गलती से निको का गला काट दिया और उस वजह से उसकी उसी टाइम मौत हो गई थी। निको की मौत के बाद में उसे डर था कि अगर पुलिस को पता चला कि निको की जान मेरी वजह से गई है तो मुझे जेल हो जाएगी, और इससे बचने के लिए उसने निको की हत्या को एक सुसाइड का रूप दे दिया ताकि सभी को लगे कि निको ने खुद को मारा है।
अब इन सब के बाद में शेरिन डॉक्टर एरन के पास में जाती है और उसे उस आदमी की स्टोरी के बारे में बताती है जो कि नरक में गया था, जहाँ पर उसे बार बार टॉर्चर किया जाता था और फिर उसके घावों को ठीक भी किया जाता था ताकि उसे फिर से टॉर्चर किया जा सके। जिसे सुनकर एरन हैरान हो जाता है क्योंकि कोई भी अब तक ये बात नहीं जान पाया था। और डॉक्टर एरन उसे बताता है कि हाँ, ये असल में नरक ही है। फिर शेरिन उससे पूछती है कि क्या वो एक शैतान है, जिस पर एरन कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी शैतान नहीं है, बल्कि वो भी उन्हीं की तरह एक पेशेंट था। फिर वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि जब वो जिंदा था तब वो एक डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके ड्रग डीलिंग किया करता था, पर ड्रग के ओवरडोज की वजह से लोगों की मौत हो जाया करती थी। फिर जब वो अपनी मौत के बाद में यहाँ पर आया तो उसे भी ये लोग ड्रग ओवरडोज देते थे और ये सब 3 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा। और 3 महीने ये सब भुगतने के बाद में उसे दूसरों को टॉर्चर करने की ड्यूटी मिल गई। वो ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे फिर से टॉर्चर किया जाता। डॉक्टर ये भी बताता है कि वो 1969 से यहीं पर है। फिर इतने में ही निको वहाँ पर आ जाता है और शेरिन को उसे जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो हमेशा पियानो देखा करती थी। निको उसे फांसी पर लटकाने लगता है, जिस पर शेरिन कहती है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, उसने इतना प्यार कभी भी किसी से नहीं किया और वही थी जो कि हमेशा उसके ग्रेव पर कैंडल रखा करती थी। हालांकि वो उसे मारने के लिए माफी मांगती है, वो इसे बदल तो नहीं सकती थी लेकिन रिग्रेट कर सकती थी। वो निको से उसे वैसे ही लटकाने के लिए कहती है जैसे कि उसने निको को लटकाया था, लेकिन निको ऐसा नहीं करता है और उसे लेकर एग्जिट क्यों जाने लगता है। पर एरन उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने इसे यहाँ से जाने दिया तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, वे लोग तुम्हारी स्किन निकाल देंगे और तुम्हारा खून पी जाएंगे। लेकिन निको उस पर हमला करके शेरिन को अपने साथ में लेकर वहाँ से जाने लगता है। और अब हमें यहाँ पर कई सारे पेशेंट दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में थे। अब वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं और शेरिन जैसे ही नरक के एग्जिट पर जाती है तो वहाँ पर अपने आप ही एक ब्रिज बन जाता है जिसे पार करते हुए वो दूसरी तरफ पहुँच रही थी। लेकिन जैसे ही निको ब्रिज पर पैर रखता है तो ब्रिज टूटने लगता है, पर लकीली शेरिन ब्रिज की दूसरी तरफ पहुँच जाती है। जब वो पलट कर देखती है तो दो लोग निको को पकड़ कर ले जा रहे थे। अब शेरिन की आंखें रियल वर्ल्ड में खुल जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसका हार्ट 15 सेकंड के लिए धड़कना बंद हो गया था। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में शेरिन उन सभी लोगों के बारे में सर्च करने लगती है जिनसे शेरिन नरक में मिली थी और उनकी मौत भी वैसे ही हुई थी जिसके बारे में उन्होंने शेरिन को बताया था। मूवी के एंड में शेरिन निको के ग्रेव पर कैंडल जलाने जाती है और वो निको के लिए प्रे भी करती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी कोई टॉर्चर या स्लैशर मूवी नहीं है, बल्कि इस मूवी में हमने नर्क को देखा। जैसा कि हम सोचते हैं कि नर्क ऐसी जगह होगी जहाँ पर चारों तरफ आग जलती रहेगी, वहाँ पर कई सारे लोग होंगे जो कि लगातार इंसानों को टॉर्चर करते रहेंगे। इस मूवी में नर्क की एक अलग ही इमेज बताई है जहाँ पर नर्क को एक हॉस्पिटल बताया गया है और उन्हें सजा देने वाले कुछ शैतान नहीं बल्कि डॉक्टर ही थे। नर्क या फिर हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों को ये पता भी नहीं था कि वो मर चुके हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट के बाद में उन्हें यहाँ पर लेकर आया गया है और यहाँ पर उनके साथ में टॉर्चर किया जा रहा है। सभी ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा पाप किया था जिससे कि उनको अभी तक रिग्रेट होता था और इसी की सजा उन्हें अब तक मिल रही थी। शेरिन ने अपने बॉयफ्रेंड निको को 10 साल पहले गलती से मार दिया था और इसलिए शेरिन को भी नर्क में सजा मिली। लेकिन हम देखते हैं कि नर्क में निको शेरिन को माफ कर देता है और उसे फिर से नर्क को पार करके उसे रियल वर्ल्ड में भेज देता है। वो जैसे ही शेरिन रियल वर्ल्ड में जाती है तो हमें पता चलता है कि शेरिन का दिल सिर्फ 15 सेकंड के धड़कना बंद हुआ था, मतलब कि जो अब तक शेरिन ने टॉर्चर झेला था वो सिर्फ 15 सेकंड का ही था। शेरिन तो किस्मत वाली थी जो कि नर्क से वापस रियल वर्ल्ड में आ गई, लेकिन हर कोई उसकी तरह इतना किस्मत वाला नहीं था। वे लोग जिंदगी भर इस टॉर्चर को झेलते रहेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक जरूर डाल दूंगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।